Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा दिया है, लेकिन आज जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो इस तरीके से करेंगे जिसके बाद आप कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नहीं भूलेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। वो आपको हम एक छोटे से मास्टर साइंटिस्ट के थ्रू समझना पड़ेगा कि कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक छोटे से मास्टर साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में अपना कैसे फोटो लगा दिया, और इस फोटो लगाने के बाद ये तुरंत कहाँ भागेगा, लैब कोट की तरफ। अब ये लैब कोट की तरफ आ गया और इसने फटाफट अपना लैब कोट पहन लिया। अब लैब कोट क्यों पहना है, क्योंकि इसको लैब में जाना होगा। अब ये भाग कर लैब में गया। लैब में जाने के लिए इसे आई स्कैनर लॉक सिस्टम में आई स्कैन करनी पड़ी। अब जब आई स्कैन कर ली, आई स्कैन करने के बाद इसने अपने साइंस वर्ल्ड मतलब अपने केमिस्ट्री लैब में एंटर की। वहाँ इसे क्या दिखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो जाए इसमें सिमिलर में सब्सटेंस में, ठीक है। कोई भी कंपाउंड स्प्लिट हो जाए टू या मोर सिमिलर सब्सटेंस में। जैसे स्टूडेंट्स आप देखिए, ए बी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ए प्लस बी में। इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा जा रहा है। अब इस बच्चे ने क्या किया, इस मास्टर साइंटिस्ट ने एक बॉटल में ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट रखा हुआ लिया। उस फेरस सल्फेट FeSO4 जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, इसे क्या किया, इसने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड से कनेक्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट, कैसे स्टैंड पे टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के नीचे इसने बर्नर रखा है। बर्नर से वो हीट प्रोवाइड कराएगा। अब टेस्ट ट्यूब में इसने FeSO4 के ग्रीन क्रिस्टल्स डाल दिए। अब हीट किया इसने टेस्ट ट्यूब को। जब टेस्ट ट्यूब को हीट किया तो इसने देखा ऊपर से कुछ गैस निकल रही है। ये गैस क्या थी बच्चों, और जब हीट किया तो ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स हो गए। ये कैसे चेंज हो गए, वाइट क्रिस्टल के क्रिस्टल हो गए, ग्रीन कलर के क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल में चेंज हो गए, ठीक है बच्चों। आप और उससे आपको देखो, आपको गैस निकलती हुई बाहर दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद देखा कि वो ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन हुआ है फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ, फेरिक ऑक्साइड का। अब फेरिक ऑक्साइड के बाद उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस भी रिलीज होने लगी। अब क्या हुआ, ये बच्चा तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। अब इसके बाद इस मास्टर साइंटिस्ट ने क्या करा, इस गैसेस को स्मेल कर लिया। इस स्मेल करने के बाद इसको बहुत ही रोटेन स्मेल आई, बहुत ही गंदी सी स्मेल आई। और ये थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये गिर गया, क्योंकि इसको चक्कर आ गए। अब इसे पता चला ये गैसेस तो बहुत टॉक्सिक थी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को इनहेल नहीं करना। तो इसने क्या करा, इसे पता चल गया उसे इनहेल नहीं करना है इन गैसेस को, तो इसलिए उसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया और थोड़ी देर के बाद ये बर्नर को क्लोज कर गया। क्लोज करने के बाद इसने बताया जो इसने 2FeSO4 लिया था वो डिकम्पोज हुआ है Fe2O3 प्लस
SO3 मतलब फेरिक ऑक्साइड टूट गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यही आपका क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे आई होप आपको अच्छे से समझ